पत्रातुर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से निकाले गए 81 मजदूरों से मिली भाजमो की केंद्रीय महासचिव निशी पांडे, मुलाकात कर समस्याओं से हुई अवगत। पूर्व में संचालित बनपुर सीमेंट फैक्ट्री द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के हाथों बेचने पर मजदूर हुए बेरोजगार। 81 मजदूरों को काम से निकालने के बाद बेरोजगारी झेलने को मजबूर मजदूर भाजमो केंद्रीय महासचिव ने ली सुध। पत्रातुर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में भाजमो के केंद्रीय महासचिव निशी पांडे ने विजिट कर फैक्ट्री द्वारा काम से बैठाए गए 81 मजदूरों की समस्याओं से अवगत हुई और इस पर पहल करते हुए कंपनियों के अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता की। बताते चले कि पूर्व में संचालित बनपुर सीमेंट फैक्ट्री वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को बेच दी गई है, जिसके बाद फैक्ट्री में कार्यरत 81 मजदूर जिन्हें अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री ने काम से बिठा दिया और थर्ड पार्टी के ऊपर टाल दिया, जिस कारण इन सभी मजदूरों के ऊपर बेरोजगारी का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में इन सभी मजदूरों के आग्रह करने पर भारतीय जनतंत्र मोर्चा की केंद्रीय महासचिव सह समाज सेवी निशी पांडे अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री पहुंची और सभी के हालचाल को जाना तथा कंपनी के पदाधिकारियों से वार्ता की, जिस पर कंपनी के पदाधिकारी द्वारा जल्द इन समस्याओं पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया गया। वहीं केंद्रीय महासचिव निशी पांडे ने कहा कि पूर्व में संचालित फैक्ट्री अब अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के हैंडओवर होने पर कंपनी अपने स्तर से छटनी कर बहुत से लोगों को नए सिरे से काम पर रखने जा रही है, तो बहुत लोगों की छटनी भी की जा रही है। इस विषय पर मजदूरों के हित में बात करने आई हूं कि इस तरह का कार्य नहीं किया जाए और मजदूरों के बारे में सोचा जाए ताकि इनके रोजगार का साधन बना रहे, जिस पर पॉजिटिव और सबके हित पर बात हुई है। उम्मीद है कि कुछ दिन में इसका समाधान किया जाएगा। पत्रातु से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। जो कंपनी थी उससे आदित्य बिरला ग्रुप जो अभी यहाँ पे अल्ट्राटेक ग्रुप जो इसको ले लिया है ये कंपनी, तो उसमें कुछ मजदूरों का समस्या था, जैसे कि बहुत सारा छटनी चल रहा है, बहुत लोगों को हटाया जा रहा, बहुत लोगों को रखा जा रहा, तो उसके बिहाफ में ही बात करने आए थे कि भाई फिलहाल ये काम ना किया जाए, इसको थोड़ा सोचा जाए, मजदूरों के हित में सोचा जाए, क्योंकि यहाँ पे 81 मजदूर हैं यहाँ पे फिलहाल, तो उनके कहने पर ही हम इस उनके बिहाफ में बात करने के लिए आए थे। अब देखिए कि HR से बात हुई है तो उन्होंने कुछ समय लिया है, अब देखते हैं कि कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी की सिस्टम में बात करती है और हम लोग फिर उसमें फिर क्या कर सकते हैं। अभी तो पहल किए हैं, पहली बार तो हम आए हैं किसी कंपनी में बात करने के लिए मजदूरों के हित के लिए। सकारात्मक कुछ बात हुई मैम? हाँ, पॉजिटिव है, बात पॉजिटिव ही है, बस समझने का है कि थोड़ा मजदूरों को भी समझना होगा, थोड़ा सा कंपनी को भी समझना पड़ेगा, तो सबके हित में है। अगर कंपनी यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए ही है, अगर यहाँ पे कंपनी नहीं आती तो बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिलता है ना, तो सब अपना अपना समस्या लेकर के यहाँ पे बैठे हैं कि रोजगार हमारा टिका रहे, तो वही टिकाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि भाई कंपनी जो भी छटनी कर रही है वो ना करे, जो मजदूर पहले से काम कर रहे हैं, पहली कंपनी से जो काम कर रहे हैं, वो आज भी अल्ट्राटेक में काम करें और उनको परमानेंट दिया जाए जो लोग शुरू से कर रहे हैं। इनिशियल में थे बर्नपुर सीमेंट प्लांट में, तो बर्नपुर प्लांट जैसे बिक गई तो अल्ट्राटेक लिया, तो कंपनी बिका तो मजदूर मशीन सब साथ न जाएगा, लेकिन हम लोग को थर्ड पार्टी में डाल दिया गया, हमारे भविष्य के साथ छल कपट किया गया है। इस प्लांट में हमारे मजदूर भाइयों के साथ छल कपट किया कंपनी ने, धोखे घड़ी से 10-11 बजे रात को ये लोग लेटर दिए। अल्ट्राटेक का क्या कहना है? अल्ट्राटेक का कहना है कि नहीं, 6 महीना के अंदर आप लोग को ले लिया जाएगा कंपनी में, लेकिन हमारे कहना है कि आप जब मौखिक तौर पर गारंटी दे रहे हैं तो आप रिटर्न हमको आप अल्ट्राटेक के लेटर पेड पर ही दीजिए, 6 महीना का आपका हमारे तरफ से और 6 महीना ले लीजिए 1 साल, लेकिन अल्ट्राटेक का लेटर पेड पर हमको आप रिटर्न में दीजिए कि 6 महीना के अंदर या साल भर के अंदर जितने आप लोग पहले बनपुर बीसीएल में थे उसको अल्ट्राटेक में ले लिया जाएगा।